विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको इसमें सुनाने जा रहे हैं बृहस्पति भगवान की पूजा विधि एवं व्रत कथा। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बृहस्पतिवार के व्रत की विधि। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक समय ही भोजन करें, पीले वस्त्र धारण कर पीले पुष्पों को धारण करें। भोजन भी चने की दाल का होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। पीले रंग का फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करना चाहिए। पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं, धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक है। इस व्रत में केले का पूजन होता है। ते है बृहस्पतिवार व्रत कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी, किसी भिखारी को कुछ नहीं देती, सारे दिन घर के कामकाज में लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी कि महाराज, इस समय तो मैं आंगन में लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर बाद में आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वही साधु महाराज आए, उसी तरह भिक्षा मांगी। साहूकारनी उस समय लड़के को खिला रही थी, कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उसने फिर उसी तरह से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बहुत कृपा होगी। साधु महात्मा जी कहने लगे कि अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ कोने में जमा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी ना रखें। शाम काल को अंधेरा होने के बाद दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर में जमा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई, भोजन बना, चूल्हे के पीछे रखा। वह कई बृहस्पतिवारों को ऐसा ही करती रही। अब कुछ काल उसके घर में खाने को दाना ना रहा। थोड़े दिनों में वही महात्मा फिर आए और भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न ही नहीं, आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा अवकाश है तब भी कुछ नहीं दे रही हूँ, तुम क्या चाहती हो वह कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, महाराज अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं पहले जैसी धनवान हो जाऊं। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि अवश्य जैसे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नादि से निवृत्त हो घर को गौ के गोबर से लीपो तथा घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं, केवल बुध या शुक्रवार को बनवाएं। भूखों को अन्न जल देती रहा करो, ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में धन धान वैसा ही हो गया जैसा कि पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति की कृपा से कार के सुख भोग कर दीर्घ काल तक जीवित रही। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ऐसे ही रोजाना भक्तिमय वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SY भक्ति अड्डा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में
ओम श्री विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा जरूर लिखें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।